स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी सिपाही भर्ती 2019 के बारे में कुछ लेटेस्ट न्यूज। यहाँ पे इसका पेपर हो रहा है 27 तथा 28 जनवरी को, लेकिन यहाँ पे इस परीक्षा में भी नकल माफिया पूरी तरह हावी है। और यहाँ पे पेपर का जो सौदा हुआ था वो हुआ था 10 से लेके 12 लाख में। यहाँ पे एक पेपर लीक भी हो गया था और इसके लिए बोर्ड ने बताया है कि इसके लिए दोबारा परीक्षा होगी। तो इन सब चीजों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के लिए 27 तथा 28 जनवरी को परीक्षा हो रही है और इसमें पहले दिन ही पेपर लीक की भी खबर आई। ढेर सारे कैंडिडेट पकड़े गए, परीक्षा में नकल माफिया पूरी तरह हावी रहे। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें नकल माफिया के बारे में, तो यहाँ पे ढेर सारे नकल माफिया हावी पाए गए हैं और कई ऐसे नकल माफिया हैं जो कि बिहार से हैं और वो लोग बिहार से साल भर बुलाते थे। यहाँ पे कम से कम 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्हें कई धाराओं में FIR करके जेल भी भेजा गया। लेकिन इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी से ये पता चला कि ये सौदा 10 से लेके 12 लाख या फिर 15 लाख तक हुआ है। इन सब चीजों का हम आपको एक न्यूज कटिंग दिखाने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहली कटिंग है अमर उजाला से, यहाँ पर हेडिंग है कि सिपाही भर्ती लखनऊ से 5 समेत 27 गिरफ्तार। तो 24 नहीं 27 को गिरफ्तार किया गया है। रही 10 से 12 लाख सौदे की बात, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि 10 से 12 लाख रुपए में हुआ था सौदा और बिहार से साल भर बुलाए गए थे। यहाँ पे जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है उसने बताया कि यहाँ पे हर कैंडिडेट से 10 से 12 लाख में सौदा हुआ है और उसका गिरोह पूरे प्रदेश में सक्रिय है और उस गिरोह का काम है कि उन परीक्षार्थियों को ढूंढ निकाले जो पैसा देना चाहते हैं और समय से उनको ढूंढ लेने के बाद उसके लिए बिहार से साल भर बुलाए जाते हैं। शुरू में परीक्षार्थियों से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं और बाकी पैसे रिजल्ट आने के बाद। तो इस तरह 10 से 12 लाख रुपए में सौदा चल रहा है। जिन लोगों को पकड़ा गया उन लोगों में से 4 लोगों का फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, निशांत प्रभाकर, संतोष कुमार, संतोष तिवारी और राहुल यादव। इनको STF ने पकड़ा है और पहले ही दिन 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी दूसरे दिन का पेपर जो कि 28 तारीख को होना है ये अभी बाकी है। यहाँ पे STF ने 5 लोगों को दबोचा है केवल लखनऊ से और 3-3 लोगों को आगरा तथा मथुरा से दबोचा गया है। यहाँ पे जब UPATS को पता चला कि कुछ जगह नकल की खबर आ रही है, कई जगह साल भर परीक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने कई स्कूल पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और छापेमारी में ढेर सारे कैंडिडेट पकड़े गए। यहाँ पे जो राहुल यादव पकड़े गए हैं इनके पास से लगभग 3400 रुपए समेत अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं और कई जगह ऐसी खबर आई है कि कुछ कैंडिडेट OMR सीट लेकर ही भाग गए। तो ये तो हो गया कि कितने में सौदा हुआ था और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है कि साल भर कहाँ से आते थे और इसमें क्या क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग है कि बिहार से बुलाते थे साल भर। यहाँ पे जो भी साल भर है बिहार से बुलाए जाते थे, सबको पता है चाहे यूपी का हो या फिर बिहार का हो, सबको पता है कि अगर इस परीक्षा में किसी और की जगह पे पकड़े गए तो 2 से 3 दिनों तक जेल में रहेंगे, उसके बाद फिर बाहर आ जाएंगे, फिर से वही काम करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि इस तरह के मामले में उसे 10 साल या 15 साल या फिर कोई बड़ी कार्रवाई हो सके। तो सबको पता है कि चलो दो अगर परीक्षा दे के बच गए तो ठीक है, पैसा मिल जाएगा, और अगर पकड़े गए तो 2 से 3 दिन जेल में रहेंगे, फिर जमानत मिल जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रासुका लगेगा, लेकिन हमारी सरकार या फिर इससे पहले की सरकार इस पे कोई कानून नहीं बनाती है। अगर इस पे कोई कानून बना दिया जाता कि जो लोग पकड़े जाएंगे उन्हें कम से कम 10 साल 15 साल, तो हो सके कि इस तरह के मामलों में कुछ कमी आए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक न्यूज और आपको बता दें कि यहाँ पे फर्जी प्रवेश पत्र पाए गए हैं, जो कि स्कूल पे ले जाने के बाद अगर स्कूल प्रशासन उन्हें समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आराम से कोई और कैंडिडेट परीक्षा दे लेगा। और एक खबर है इससे कि यहाँ पे 1.5 लाख कैंडिडेट पहले ही दिन पेपर छोड़ दिए हैं और लगभग 9.18 लाख कैंडिडेट पहले दिन शामिल हुए हैं। इसी तरह जो
28 तारीख का भी पेपर है, इसमें भी लगभग इतने ही कैंडिडेट शामिल होंगे। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग लगभग 17 या 18 लाख कैंडिडेट इसका पेपर देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं पेपर लीक की खबर को। तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं पेपर कटिंग, यहाँ पे है कि सिपाही भर्ती में सेधमारी, 24 गिरफ्तार। यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि गोरखपुर में पेपर बदला, आज दोबारा होगी परीक्षा। यहाँ पे जो गुलरिया के बरगदही स्थित बेलिया इंटर कॉलेज है, यहाँ पे दूसरी पाली में जो पेपर था उसको पेपर लीक का आरोप लगाकर परीक्षार्थी हंगामा करने लगे। परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर के सभी बंडल खुले हैं। ये तो अब जांच का विषय है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एसएसपी ने बताया कि गलती से पेपर का बंडल दूसरे केंद्र पे चला गया था। अब बताइए, ये पेपर दूसरे केंद्र पे चला गया था, वहाँ खोला गया, फिर वापस उस केंद्र पे लाया गया, इतने में तो पेपर लीक करने वालों को अच्छा समय मिल जाएगा। इससे एक यहाँ पे राहत वाली बात केवल इतना ही है कि आयोग ने कहा है कि अगर उन्हें पेपर लीक का शक है तो इसके लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, और ये दोबारा पेपर होगा सोमवार को, मतलब कि 28 तारीख को ही। मतलब कि जहाँ पेपर लीक का खबर आई है उसको दोबारा करा रहा है बोर्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, और यहाँ पे जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका फोटो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पेपर कटिंग में, जो कि हिंदुस्तान का है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सौदा हुआ था 10 से लेके 15 लाख रुपए में। इसके लिए शुरू में आपको 2 से लेके 5 लाख देना होता था, और बाकी जो है कि बाद में देना होता था। तो अगर आप इस पेपर कटिंग के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे लिया गया है कि देर रात तक अलग अलग जिलों में 11 मुकदमे दर्ज हुए। दावा है कि इनके पूछताछ के बाद और भी लोग पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे लोग केवल साल भर हैं और ये दूसरे की जगह पे पेपर दे रहे हैं, चाहे उनका पेपर देने का तरीका कोई भी हो, या फिर वो एडमिट कार्ड चेंज कर लें, या फिर अपना बायोमेट्रिक पे कुछ चिपका के जाएं। तो इस तरह देख रहे हैं कि ये भी भर्ती पूरी तरह नकल माफियों के हवाले है, और यहाँ पे अच्छा खासा नकल माफिया पकड़े जा रहे हैं। एसटीएफ की माने तो यहाँ पे 27 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी केवल 11 लोगों पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। तो यह है इसकी पूरी खबर। यहाँ पे ऐसी कोई खबर नहीं है कि कहीं पर भी सामूहिक नकल हुआ है। हालांकि जो भी अपडेट होगा पुलिस भर्ती से हम आपको बताते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन पेपर कटिंग को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सबको इसके बारे में सही जानकारी हो पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।